अरे थैंक यू, कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा इनकी दोनों चटनियों को। कैसी है यारियां, यहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट भी अभी हुआ था रिसेंटली, कवर करते रामेश्वरम कैफे को। बाप ने बहुत कमाया है, बाप का बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा कारोबार है। ये है बैंगलोर का सबसे फेमस स्पॉट फॉर साउथ इंडियन फूड, ये है रामेश्वरम कैफे। यहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट भी अभी हुआ था रिसेंटली, जिसकी वजह से वो हाईलाइट में आ गया था, पर इसका खाना बहुत स्पेशल है साउथ इंडियन फूड। तो चलो जाते हैं, डिस्कवर करते हैं रामेश्वरम कैफे को। रामेश्वरम कैफे का स्पेशलिटी क्या है वो खाना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, घी पूरी इडली। हाँ, घी पूरी मसाला डोसा। तो एक घी पूरी इडली करो और एक घी पूरी मसाला डोसा। नहीं अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इडली कितने का और डोसा? बाप ने बहुत कमाया है, बाप का बहुत बड़ा बिजनेस है। ये क्या है इसके ऊपर? भाई आ गई अपनी घी पूरी इडली, इसको टेस्ट करते हैं पहले। माइंड ब्लोइंग है भाई, माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया खाने। ऐसा इडली तो भाई मुंबई में तो नहीं खाया। घी का टेस्ट और गन पाउडर का टेस्ट दोनों मिक्स जब होता है तो अलग ही टेस्ट आता है, मज़ा आ गया। कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा इनकी दोनों चटनियों को, एक हरी चटनी है और एक लहसुन की चटनी है। तो दोनों चटनियों को मिक्स करके जब आप खाते हो इडली के साथ तो बहुत मज़ा आ जाता है भाई, अलग टेस्ट लगता है। और इडली 6/5 है, इतना अच्छा टेस्ट भाई। आ गया हमारा घी मसाला डोसा, इसका सांभर है, चटनी है, ये लहसुन वाली चटनी, गार्लिक की चटनी, और ये इसका मसाला। कैसी है यारियां, क्रिस्पी है और भाई घी का बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा है, सांभर भी बहुत अच्छा थी। उसके मसाले के साथ खा के देखते एक बार कि कैसा है ये। माइंड ब्लोइंग है, सांभर भी बहुत अच्छा है और इसका मसाला भी बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया खाते भाई। इसीलिए इसका कैफे का इतना नाम है। पूरा ऐसा है, पूरा गन पाउडर डाला है, घी डाला हुआ है और पूरा गन पाउडर और घी के साथ भरा हुआ है, बहुत ही मस्त टेस्ट है। 6/5। एक टैमरिंड राइस करना और एक वो जो स्वीट है ना केसरी पास वो कर दे। टैमरिंड राइस कितने का? 80 और केसरी पास 90। तो चलो भाई अभी इनका एक टैमरिंड राइस खाते हैं, जो है ये ऐसा होता है, हरी चटनी और लाल चटनी। ये आ गया है हमारा केसरी भात, जो बेसिकली एक स्वीट डिश है, और ये है हमारा टैमरिंड राइस। ये दोनों चीज़ें मैंने और एक्स्ट्रा मंगाई। कैसी है यारियां, कैसी है यारियां। यूनिक टेस्ट है, इसमें सिंग भी डाला है, चना दाल भी डाला है और बहुत अच्छा टेस्ट है, एकदम यूनिक टेस्ट है, मस्ट हैव है यहाँ। बहुत अच्छा है, तो डेजर्ट भी बहुत अच्छा है, टैमरिंड राइस भी बहुत अच्छा है, इडली तो अच्छी थी और डोसा भी बहुत अच्छा था। सबके लिए 6/5 भाई, माइंड ब्लोइंग। बैंगलोर आओ तो रामेश्वरम कैफे में ज़रूर आना। 4 आइटम हमने खाई और चारों आइटम टॉप थी इनकी, इनको मैं 6/5 रेटिंग दूंगा। हाँ बस यही एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कोई सिटिंग कैपेसिटी नहीं है कि आप बैठ के कहीं पे खा सकते हो, आपको खड़े रह के खाना पड़ेगा और जगह भी बहुत छोटी है तो थोड़ा रश हो जाता है, तो आपको रश में खड़े रह के खाना पड़ेगा। कोई ऐसा एसी सेक्शन नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं, आपको ऐसे खुले में खड़े रह के खाना पड़ेगा जैसे मैं खा रहा था।
और या तो फिर आप पैक करके लेके जा सकते हो, तो वही मुझे एक बड़ा डिसएडवांटेज लग रहा है। बट ऑफकोर्स पर इनका कुछ कॉन्सेप्ट होगा उसके वजह से, पर खाना तो बहुत अच्छा है, क्या टेस्ट है खाने का, माइंड। अब शायद लगता है कि 2-3 हफ्ते खाना नहीं खाऊंगा तो भी चलेगा। एयरपोर्ट कितना दूर है यहाँ से? 42 किलोमीटर सर। अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट और एक 1 आवर 15 मिनट्स लगेगा, मतलब अपन टाइम पे है। मतलब साउथ इंडियन खाना इतना टेस्टी मैंने आज तक नहीं खाया है, चारों आइटम्स उनकी माइंड ब्लोइंग थी। तो रामेश्वरम कैफे में जो गए थे उसके 3 ब्रांचेस है, एक इंदिरा नगर में है, एक जयनगर में है और एक माराथाली में है। तो हम लोग जो इंदिरा नगर में गए थे वो फर्स्ट ब्रांच था, यहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग वो ओल्डेस्ट ब्रांच में ही गए थे। हाँ, तो फाइनली 1.5 घंटे के बाद एयरपोर्ट आया है भाई, बहुत ज़्यादा ही लंबा ड्राइव था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे एकदम सेफली यहाँ पहुँचाया और रामेश्वरम में खिलाया भी। थैंक यू वेरी मच, चलो बाय बाय। पहुँचे के मुंबई अपने घर वापिस वही बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पे ही। ट्रिपल वी भाई, गेट नंबर भी चेंज हो गया, गेट नंबर 19 था अभी 20 हो गया ये रहा। मुझे लगता है कि आज अपन लेट ही पहुंचने वाले हैं मुंबई, क्योंकि यहाँ से अगर फ्लाइट लेट आएगी तो फिर पहुँचेंगे लेट, फिर और भी काम करना है। पॉडकास्ट वहाँ पे विनीत ऑलरेडी एडिट कर रहे हैं, तो हेक्टिक डे। बाप ने बहुत कमाया है, बाप का बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा कारोबार है। कौन सा बिजनेस? कैसी है यारिया, लैंडिंग करा दे, लैंडिंग करा दे भाई। ऐसा लग रहा था कि मैं प्लेन में ही घूम रहा हूँ, लैंडिंग ही नहीं हो रही भाई, इतना 1 घंटा डिले हो गया फ्लाइट। पर चलो कोई बात नहीं, आज का पूरा दिन बहुत इवेंटफुल रहा। लोग सुबह गए थे बैंगलोर, बैंगलोर में शूट किया, शूट में बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम लोग गए एक बैंगलोर के बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट में जिसका नाम है रामेश्वरम कैफ़े, वहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा खाना खाया, वो भी मैंने आपको दिखाया। और अभी हम आ गए वापस आमची मुंबई। तो भाई आप भी हमारा दूसरा चैनल देखिए जिसका नाम है विन विन वर्ल्ड VVW, और हम लोग नए नए पॉडकास्ट के साथ आपके साथ लाते रहेंगे आपके लिए। अभी हमारा नया पॉडकास्ट आने वाला है 30th को, सो 10th 20th और 30th ऑफ एवरी मंथ हम नया पॉडकास्ट अपलोड करते रहेंगे। तो प्लीज़ वो चैनल को चेकआउट करिए। और विन विन शॉर्ट्स नाम का एक चैनल है जिस पे हम क्लिप्स डालते हैं, छोटे छोटे क्लिप्स जो पूरे पॉडकास्ट में से हम निकाल के आपके लिए लाते हैं। तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन एक छोटे पैकेज में मिलेगा, छोटा पैकेज बड़ा धमाका। आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू विन विन ब्लॉग्स। तब VVW मिलेंगे कल और एक तड़कते भड़कते एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।